जी भाई आ गए आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज आप ये देख पा रहे हो भाई फ्रेम में थार थार है भाई ब्लैक कलर की। तो इस पे भाई पीपीएफ वगैरह का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कुछ काम हुआ है इस पे, आपको वीडियो शॉट मिल गई होगी या फिर मिल जाएगी। बिल्कुल स्टॉक ही लग रही है भाई, ज़्यादा कुछ इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं हुई हुई है। और बाकी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पेट्रोल में आती है या डीजल में आती है। 4x4 है, चेक कर लेते हैं भाई कैसे आती है। अब इसके पेट्रोल की है भाई ये गाड़ी, और इसमें आपको पता ही होगा कि ये कैसे खुलती है अंदर से। तो भाई कोई खुलने का इसमें हिसाब वगैरह है नहीं, ऐसा कुछ वगैरह भाई सारी आ जाती है ब्लैक कलर। पीपीएफ वगैरह सारी हो चुकी है इस पर। एड्रेस वगैरह आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, और बाकी वॉक अराउंड भी आपको इस वीडियो में तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई टायर की। तो टायर के C8 के भाई ऑल टेरेन टायर मिल जाते हैं इसमें। प्रोफाइल की बात करें तो मेरे भाई आपकी इसमें प्रोफाइल जो आ जाती है देख लेते हैं भाई, 18 इंच की प्रोफाइल आती है मेरे हिसाब से। तो हाँ भाई ये लिखी है 255/65 R18, ऐसी कुछ इसकी प्रोफाइल आ जाती है। और बात करें भाई इसकी स्पेयर व्हील वगैरह की, तो वो इधर आ जाता है, सेम प्रोफाइल आ जाती है, और एलॉय का ही स्पेयर व्हील मिलता है। 4x4 की बैजिंग इधर वगैरह आपको सारी मिल जाएगी। और बाकी रगेड लुक देने के लिए ऐसे कुछ हैंडल्स आते हैं, ब्लैक नहीं आते हैं, बॉडी कलर्ड नहीं आते। 4x4 है भाई तब भी बॉडी कलर्ड नहीं आते, क्योंकि भाई रगेड लुक प्रोवाइड करना। और ये इधर हुक्स वगैरह कुछ मिल जाते हैं बोनट ओपन करने के लिए, ऐसे कुछ भाई ये बंद हो जाते हैं, आप इन्हें बंद कर सकते हो, लेकिन बोनट खुलता है इसका अंदर से ही है। लुक आपको दे दी थी सारी भाई, साइड वगैरह से एक बार आप देख लो कैसे कुछ आता है अंदर से, ऐसे कुछ दिखती है भाई गाड़ी अपनी। आर्मरेस्ट वगैरह भाई इसमें लगवाया गया है, इसमें आर्मरेस्ट तो नहीं आता, स्लाइडेबल है भाई। और भाई सारा भाई स्टॉक ही दे रखा है सब कुछ मामला। और पीपीएफ की भाई बात करें, अगर इसमें ब्लैक कलर है तो करवानी ज़रूरी है। एक बार आप देखो सारा काम खुल के होता है, आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा भाई, कोई भी फिनिश जो है ख़राब नहीं होती। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि पीपीएफ इस पर हुई है, क्योंकि भाई कट ऐसा कुछ आता है तो कट कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा, साबुत पीस नहीं लगता इसके अंदर, ऐसा कुछ है। और भाई दूसरे साइड की बात करें, फेंडर पे ही अपने सारे वो आ जाते हैं, इंडिकेटर वगैरह इधर को आ जाते हैं भाई, ये क्लैडिंग के ऊपर आ जाता है। एम स्टेलियन है, मतलब पेट्रोल का इंजन आता है इसमें। 150 हॉर्स पावर की अपनी पावर मिल जाती है इसमें, TGDI लिखा, टर्बो GDI भाई। बाकी बस मॉडिफिकेशन के नाम पे ज़्यादा कुछ हुआ हुआ नहीं है, ये सब हो रखा है। एक आर्मरेस्ट लगा हुआ है अंदर। टायर आपको दिखा दी भाई, सारी तरफ से एक जैसी लगती है, अपने हार्ड टॉप वाली आती है। सॉफ्ट टॉप वाली भाई लोग कम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे ही है वो भाई, ड्यूरेबल ज़्यादा लगता नहीं है, उड़ उड़ा जाएगा ऐसे ही लगता है वो, अंदर कांपता रहता है, मैंने ऐसे कंप्लेंट्स वगैरह सुनी है। बात करें हेडलाइट्स की भाई, नॉर्मल अपनी हेडलाइट्स आती हैं सारी हेलोजन की, और ये भी अपने इंडिकेटर भी हेलोजन आते हैं। फॉग लैंप्स भी भाई नॉर्मल हेलोजन ही आते हैं, ऐसे कुछ भाई वाइपर मिल जाते हैं नॉर्मल से देखने को। और भाई अगर बात करें इधर कुछ ऐसा फुटस्टेप वगैरह हमारा आ जाता है, इधर देखने को मिल जाएगा, ये इधर स्कफ प्लेट देखने को मिल जाएगी, और बाकी बैक एडजस्टमेंट मिल जाती है, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, सब कुछ नॉर्मल ही देखने को मिलता है। और इधर आप देख रहे हो ये सीट को आगे पीछे का करने का लीवर मिल जाता है, इधर सारा कुछ मैनुअली। और ये 4x4 का भाई इसमें ये देखने को मिल जाता है अपना लीवर, जो भी है आप अपना मैनुअली स्विच कर सकते हो। विंडो के स्विचेस इधर देखने को मिल जाते हैं भाई, क्योंकि आगे ही विंडो आती हैं, तो सिर्फ दो ही पावर विंडो के इसमें स्विच देखने को मिल रहे हैं आपको। ऐसी कुछ हैंड ब्रेक आ जाती है, अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जाता है वो सारा एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्टीयरिंग अपना ऐसे ही आता है भाई, नई वाली जो आएगी उसमें अपना नया वाला लोगो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक पुराना वाला ही चल रहा था, ऐसा कुछ मिलता है। हाइट भाई आप एक बार देखो मेरे नी तक इतने कुछ आ रही है, अभी रोड ऊपर खाबड़ है लेकिन यहाँ तक आएगी, फुट स्टेप भी यहाँ तक आएगा। और बाकी अगर बात करें तो ये तो हाई तक आ रही है सारी, तो इसमें आपको स्टेप अप करके ही चढ़ना पड़ेगा। तो भाई काफ़ी ऊंची गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, ऐसा कुछ स्ट्रेट भाई शीशा देखने को मिल जाता है अंदर। सारा काम तो हो ही चुका है, और भाई ये आज भी मैं इसमें दिखाऊंगा, ये देखो कितने टाइम की भाई हो गई है गाड़ी। आप इसमें देखो ये इसमें मिलती है पट्टी सी, ये भाई दरवाज़ा रोकने को मिलती है। इसके लीवर भाई आज भी अच्छे वाले नहीं मिलते हैं आपको देखने को। चाबी भाई इसमें जो आती है वो अपनी फ्लिप की आती है, चेक करते हैं इसमें बटन है या नहीं, क्योंकि महिंद्रा यही प्रोवाइड करता है, इसमें बटन नहीं है भाई, फिर भी आपको ऐसे ही चाबी मिल रही है, तो कोई नहीं आपको भाई काम तो चलाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। ये इधर भाई ऐसे कुछ मिल जाता है आपको, ये सारा AC के वेंट्स वगैरह अपने भाई ऐसे देखने को मिल जाते हैं, इधर आप सेट कर सकते हो। AC इसका भाई ऑटोमेटिक है या नहीं वो चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि ऑटोमेटिक ये नहीं है AC, शायद AC का स्विच ये है भाई, ये ऑटोमेटिक AC भाई आपको देखने को इसमें नहीं मिलता। तो भाई ये तो समझ आ गया भाई ये नहीं मिलता। और इसमें पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने का भी भाई फंक्शन वगैरह सारा मिल जाता है, और भाई ये ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है देखने को। और भाई सबसे बड़ी बात ये जो है ये आपको ये देखने को मिल जाता है इसका 4x4 का लीवर, इसको भाई आप प्रेस करके करेंगे तो ये अपने स्विच हो जाती है, 4x4 आपका अपना लॉक कर सकते हो, डिफरेंशियल वगैरह जो भी है। छोटा सा भाई ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं रख पाओगे, डॉक्यूमेंट भी भाई हल्के फुल्के ही रख पाओगे।
और भाई अगर इसमें चेक कर लेते हैं एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार पे भाई भाई आपको देखने को मिल रहा है, आप चेक कर लो, सारा इसमें देखने को मिल जाता है। और भाई ऐसे कुछ इसकी सीट की कपिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, सीट भाई बढ़िया आती है। और पीछे ऐसा कुछ आता है भाई क्योंकि अभी इसमें काम हुआ है तो ये सारा उतरा पड़ा है। एड्रेस वगैरह तो आपको प्रोवाइड कर ही देंगे हम सारा कुछ। और भाई पीछे ये मिलते हैं या नहीं आई डोंट नो, क्योंकि इसमें है तो शायद मिलते ही होंगे मेरे ख्याल से, या फिर नहीं भी मिलते होंगे तो लगवा रखे होंगे, ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन है। और ऊपर ये आता है भाई स्पीकर वगैरह का अपना सारा सेटअप ऊपर को देखने को मिल जाता है। हार्ड टॉप तो भाई टोटल है ही, आप देख पा रहे हो। ऐसे कुछ इसके सनशेड्स मिल जाते हैं जिसमें अपना मिरर आता है। और भाई लाइट तो नहीं आती, और इसमें लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जिसको डोर मोड पे कर सकते हो और ऑन ऑफ कर सकते हो। पीछे का भाई पीछे कोई लाइट नहीं मिलती, इधर आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट होल्डर का मिलता है वाइजर में। और भाई बात करें एसी की तो एसी के वेंट्स भाई ऐसे कुछ आ जाते हैं इसमें देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल से। बंद आप इसको कर सकते हो भाई या नहीं कर सकते हो, देखो बंद ऐसे हो जाता है मेरे ख्याल से तो बंद, इसमें आप अंदर देख पा रहे हो, हाँ ये बंद हो जाता है भाई। आप इसको ऐसे घुमाओगे तो आप अंदर देख पा रहे होगे बंद हो रहा है ये, तो ऐसे कुछ बंद ओपन हो जाते हैं। और भाई ऐसा कुछ इसमें मैनुअल में है अपनी, तो ये ऐसे कुछ इसका गियर आ जाता है, 6 का गियर बॉक्स है भाई, 2000 सीसी का इसमें इंजन आता है। और लीवर की एडजस्टमेंट की बात करें तो वो भाई जो है अपनी टेलीस्कोपिंग नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ टिल्ट मिलती है। स्टीयरिंग हैवी होने की वजह से भाई नीचे अपने आप आ जाता है, कोई भी अपना उसमें भाई रोकने का ऑप्शन नहीं मिलता। और भाई बात करें बाकी टॉगल्स वगैरह की तो इधर वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलता भाई इसमें आपको। और इधर हेडलैम्प का बात करें तो उसमें भी नहीं मिलता आपको जो भी है ऑटोमेटिक का सिस्टम। और बाकी भाई यही है बस। MID की बात करें तो MID भी आपको ऑन करके दिखा देते हैं कैसी कुछ मिलती है देखने के लिए। ऑन करने के लिए भाई चाबी वगैरह आप घुमाई देंगे तो ऐसे कुछ ऑन हो जाती है। और बाकी भाई इसका अगर बात करें इसके कंट्रोल वगैरह की तो वो सारे आपको इधर देखने को मिलते हैं और इधर देखने को मिलते हैं। आपको इधर इंफोटेनमेंट का भी कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और MID का भी कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ भाई आप इसको चेक कर सकते हो, सारा ही ट्रिप वगैरह इधर दिखा देगी। और भाई ऐसा कुछ है क्रूज कंट्रोल वगैरह भी इसमें मिल जाता है। और भाई देखते हैं एक्सप्लोर करें, इधर से ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आ जाते हैं सारे, इधर को आते हैं सारे क्रूज कंट्रोल का अपना आ जाता है सिस्टम। और इधर भाई अपना देखने को मिलता है MID का सारा कंट्रोल। ये भाई ऑप्शन चेंज करने का होता है, ये आप देख पा रहे हो, इससे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। अभी ये इधर चेंज हो रहे हैं ऑप्शन जैसे जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। और ये भाई एरो वगैरह देखने को मिल जाते हैं इधर। और ये जो है अपना आइडल स्टार्ट स्टॉप का भाई बटन मिल जाता है देखने को। और ये जो है अपना हेडलैम्प का एडजस्टमेंट का स्विच मिल जाता है। तो इधर से आप अपना देख सकते हो, सारा इंस्टेंटेनियस माइलेज वगैरह दिखा देगा। और भाई सेटिंग्स वगैरह है, आप कुछ सेट कर सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह इसमें देखने को मिलती है, ये इंस्टेंटेनियस माइलेज है। और भाई सबसे बड़ी बात ये आप देखो, ये डिफरेंशियल लॉक है भाई, ये आपका 4x4 का सारा सिस्टम दिखाता है कि किसमें पावर जा रही है किसमें पावर नहीं जा रही। तो भाई ये सिस्टम बढ़िया है इसमें, ये आप सारा अपना चेक कर सकते हो कैसे कुछ चल रही है। टायर किधर को है भाई पोजीशन अभी वो भी आपको पता चल रहा है इसके अंदर। ये देखो आप जैसे जैसे मैं इसका स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूँ ये भाई इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखिए आप अभी 10 डिग्री पे दिखाया इसने कि राइट को सारा मिल जाता है। और भाई ऊंचाई भाई काफी मिल जाती है इसकी देखने को, बोनेट आपको क्लियरली विजिबल है। और भाई IRVM जो है वो अपना नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल से मतलब मैनुअल ही आता है इसमें देखने को मिलता, ऑटोमेटिक नहीं मिलता डे नाइट IRVM भाई ऐसा कुछ। ये आर्मरेस्ट जो है लगवाया गया है तो मैं समझ रहा हूँ कि पीछे का भी सिस्टम वगैरह इसमें लगवाया गया होगा सारा। ऐसी कुछ अपनी नॉर्मल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है, मैनुअल इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको कंट्रोल करने में। इधर अपने पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं सारे, ये देख पा रहे हो आप, इधर सिर्फ आगे पीछे ही मिलती है क्योंकि पीछे भाई फिक्स ग्लास देखने को मिलता है इसमें। और भाई बात करें ऐसा कुछ इसमें खास है तो है नहीं भाई बात करने को। इधर भाई आपको स्विच वगैरह दिखा देते हैं, ये अपना USB का पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का इधर सॉकेट मिल जाता है। USB भाई ये एप्पल कार प्ले के लिए है, इससे कनेक्ट करने के लिए, चार्जिंग के लिए नहीं है। एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है भाई 3.5 mm का। और बात करें भाई शीशों की, शीशे भाई ऐसे कुछ आते हैं इसके, और भाई सिर्फ आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, आप इन्हें ओपन क्लोज नहीं कर सकते भाई बाहर से, अंदर से ऐसा कुछ सिस्टम है भाई। AC भी नॉर्मल यही है अपना मैनुअल वाला, ऑटोमेटिक नहीं है, ये आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिक AC इसमें नहीं आता, ऐसा कुछ मिल जाता। कोई नहीं भाई, बंदा इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेता है, ऑफ रोडिंग का ही सारा काम मिलेगा इसमें। और भाई बात करें पीछे कैसे जाते हैं तो वो भाई इस सीट को आप आगे कर सकते हो और जा सकते हो। आपको एक बार उधर से भाई चढ़ के दिखाते हैं कि भाई कैसा कुछ सिस्टम मिलता है। बाकी ये तो आपको सारा दिखा ही दिया है मैंने, और कुछ रह गया तो भाई बताओ बताओ, कमेंट्स जरूर कर देना कि भाई ये रह गया वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। और ये अपना इधर महिंद्रा के सारा इधर देखने को मिल जाता है कि भाई टेक महिंद्रा है, ये वो है, मॉडल थार दे रखा है, सीरियल नंबर वगैरह दे रखा है, ये सब अपना देखने को मिल जाता है। थार की बैजिंग अपना सीट पे भी मिल जाती है भाई, क्यों ना मिले आखिर भाई, इतनी लेजेंडरी गाड़ी भाई इस प्राइस पॉइंट में लाके खड़ी करी है। बोनट भाई इसका बहुत प्यारा दिखता है भाई, यहाँ से एकदम आपको SUV वाली फील दिलाएगा। और भाई एक चीज शॉकिंग है, जो महिंद्रा ने प्रोडक्ट लाके खड़ा किया है मार्केट में, उसकी भाई लेंथ मैं बताऊं सिर्फ सब 4 मीटर है भाई,
सिर्फ और सिर्फ सब 4 मीटर, और ऐसी गाड़ी प्रोवाइड करना भाई, कहाँ आती है बलेनो, i20, वेन्यू, ये सब गाड़ियाँ आती हैं, और आप इनको देखो भाई, ये कितनी तगड़ी गाड़ी देखने को मिलती है भाई आपको सब 4 मीटर में, इतनी बेहतरीन गाड़ी मिलती है। और भाई ये अपना ऐसे कुछ स्विचेस मिल जाते हैं जैसे एयरप्लेन वगैरह में होते हैं, सारा ऐसा कुछ हिसाब किताब है। और सबसे बड़ी बात भाई, इसकी 4x4 आपको देखने को मिल जाता है। और भाई आपको एक बार वो और दिखा देते हैं, बाकी सारा ब्लैक ब्लैक आता भाई, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आता, बाकी आप मॉडिफाई करवा सकते हो। ये भी भाई आपने यहाँ पे हो जाता है, मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करूंगा, आप कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कर सकते हो, कैसा होता है क्या नहीं होता, इंटीरियर वगैरह सब मॉडिफाई कर देंगे भाई, PPF हो जाएगी, सेरामिक वगैरह सब आपकी प्रोवाइड हो जाएगी। इधर ग्लव बॉक्स तो आपको दिखाई दिया था भाई, काफी छोटा सा लगा मेरे को, और थोड़ा बड़ा दे देते तो क्या ही चला जाता उनका। चलो भाई आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कि उधर कैसा कुछ सिस्टम मिलता है अपना देखने को, पीछे कैसे जा सकते हैं। हाँ तो भाई मैं आपको जो बता रहा था कि कैसे जा सकते हैं पीछे, ऐसे कुछ इतना डोर खुल रहा है, इधर जाके ओपन कर लेते हैं भाई डोर को। और भाई ये आप देख पा रहे हो, इधर ये सीट का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, इधर से आप ओपन कर सकते हो उसको, ये ऐसे कुछ आगे आ जाती है, और भाई ये इतनी ही आती है, इससे ज़्यादा आप इसको आगे नहीं ले जा सकते, आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। पीछे की तरफ आपको एक बार जाके दिखा दे कैसा दिखता है, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई ये इतनी कुछ आगे चली जाती है, ये लीवर जितना है इतना आप इसको आगे ले जा सकते हो, यहीं से आप इसको पीछे कर सकते हो। और भाई बात करें अगर नी रूम वगैरह की सारी, क्योंकि इधर सामान पड़ा है तो दिक्कत हो रही है थोड़ा बैठने में, इतना कुछ इसका लेग रूम वगैरह देखने को मिल जाता है आगे की सीट। भाई स्पेस तो बढ़िया है बहुत, लेकिन भाई यह थोड़ा बैठने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि भाई सिस्टम ऐसा है, लोग भाई 4 डोर थार का इस समय इंतजार कर रहे हैं कैसा। और भाई ये पीछे आर्मरेस्ट का सिस्टम भाई बढ़िया लगवाया गया है, लगवाया गया भाई, ये मिलता नहीं है आपको, ये लगवाया गया है भाई, बढ़िया है काफ़ी, ये सिस्टम जो है बढ़िया देखने को मिल जाता है। भाई बाहर चलो, उतर के बात करते हैं और वीडियो करते हैं एंड। तो पीछे भाई अपना ऐसे कुछ इसका सिस्टम देखने को मिलता है, इधर से आप ओपन कर सकते हो, सिर्फ अंदर कोई इधर स्विच वगैरह नहीं मिलता, आप चाबी से ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, अंदर आप पीछे से भी ओपन कर सकते हो इसको, ये देख पा रहे हो अंदर इधर इसका स्विच दिया गया। और भाई ये मैं इन पट्टियों की बात कर रहा था, आज भी इनसे भाई पट्टियों से रोका जा रहा है दरवाजे को, आप देखो इतना सिस्टम ख़राब है। इसका शीशा कुछ भाई ऐसे खुल जाता है अपना, ये दिए गए भाई हाइड्रोलिक स्टड्स वगैरह दिए गए हैं, इधर बंद कर सकते हो, थोड़ी इंजीनियरिंग बढ़िया कर देते तो अच्छी बात है। ऐसा कुछ अपना बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, ज़्यादा नहीं आप हल्का फुल्का सामान रख सकते हो। अरुण पवार भाई की आपने वीडियो देखी होगी, भाई वो ट्रिप पे गए थे तो कितना कुछ उसमें सामान रखा हुआ था। सीट फोल्डिंग की बात करें तो भाई सीट फोल्डिंग इसमें अपनी मेरे ख्याल से तो यहाँ से नहीं होगी, चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ से तो शायद ओपन क्लोज नहीं होती, चेक कर लेते हैं भाई कैसा कुछ सिस्टम है। हो जाता भाई यहाँ से, पीछे से भी आप इसको कर सकते हो, ये बेल्ट दे रखी है, दोनों आप अपना फोल्ड कर सकते हो, एक बार ये आप अपना जो है हेडरेस्ट बंद कर लोगे, फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इसका ये पट्टी वगैरह जो भी है, और ये काफ़ी भाई टाइट देखने को मिलता है, ठीक है ड्यूरेबल है, लेकिन थोड़ा और बढ़िया इंजीनियरिंग कर देते तो अच्छा लगता भाई दिल को भी। ऐसे कुछ अपना पीछे अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, सारा प्लास्टिक है, ब्लैक कलर पे PPF भी हुई पड़ी है, तो सारा सेफ्टी भी अपना देखने को मिल जाती है। और भाई साइड से, इस साइड से, उस साइड से आपको दिखाई दिया था लुक, यहाँ से कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और भाई ये कुछ जगह है जहाँ पे आप अपना सारा काम वगैरह करवा सकते हो, हल्ले तो भाई होते ही रहते हैं। शीशे मुझे लग रहा है इसके कंपनी की तरफ से टिंट देखने को मिलते हैं, चेक कर लेंगे भाई कि कैसा कुछ है, कंपनी की तरफ से भाई हल्का हल्का टिंट आता है, तो ये कुछ इलीगल भी नहीं है, सिस्टम बढ़िया भाई। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, वीडियो शेयर कर देना और लाइक तो कर ही देना भाई, वीडियो को सपोर्ट हो जाएगा, थैंक यू।